मॉम कहाँ हो तुम? मॉम, हे मॉम। रुको, ये लॉकेट तुम्हारे लिए है, इसे कभी खोना मत, इसे हमेशा गले में पहन के रखना। मॉम क्या आप प्रॉमिस करती हैं? हाँ। कि इससे मैं आपको ढूंढ लूंगा? ये मैं कहाँ पे हूँ? फिर तो तुम जग गए, तुम एक दिन बेहोश हो गए थे। हाँ, ये तुम हो। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, वरना हम और मुसीबत में पड़ जाते। अब बचकर दिखाओ। और तुमने ही? हाँ, मैं ही वो हूँ जो तुम्हें एरिना से बचा कर लेकर आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस मुझे इनाम दे दो, विंग किंगडम का क्रिस्टल या कुछ भी। वैसे तुम किस बारे में बात कर रही हो? अगर तुम जानना चाहते हो तो फ्लेम फेरी से पूछो। एल्फ मेरे दोस्त, क्या तुम मुत्तु स्वामी हो? अयो, इसमें कोई शक है? वीर, मैं ही तुम्हारा पार्टनर हूँ। क्या हमें सच में ये करना होगा? आइए रामा, बकवास बंद करो। आइयो, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूँ। मैं हूँ मुत्तो स्वामी। वीर, मैं हूँ वीर। तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके मैंने गलती की, मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर पछता रहा हूँ। लेकिन ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। इसे खत्म क्यों नहीं किया जा सकता? कमजोर इंसान, क्या तुम मेरी ताकत के सामने टिक पाओगे? मेरा खतरनाक गुस्सा सह पाओगे? बोला, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तुम शक्तिशाली एल्फ को अपना गुलाम बनाना चाहते हो? तुम मेरे रास्ते में मत आओ। तुम मेरे को कॉपी करता जी। हे, लड़ाई मत करो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? वाह, तुम्हारे गले में जो नेकलेस है वो बहुत कीमती लग रही है। ये मेरी मॉम ने मुझे दिया था। नहीं नहीं, तुम इसे मुझसे नहीं ले सकती। ये तो विंग देश है। ये सिंबल तो बिल्कुल विंग किंगडम का है। अगर ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया है तो वो जरूर विंग किंगडम को कुछ सुराग देना चाहती होगी। मॉम विंग किंगडम में है? तो मुझे जल्दी वहाँ जाना चाहिए। मुझे मेरी मॉम का पता चल गया है। अरे रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं तुम्हें बताना भूल गई कि विंग किंगडम गायब हो चुका है। रुको, यहाँ से बच निकलना इतना आसान नहीं है। पहले मुझे हरा के दिखाओ हाफ फेस हंटर। ओल्ड विच, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं हाफ फेस हंटर नहीं हूँ, तो फिर आप मुझसे क्यों लड़ना चाहती हैं? क्यों? मैंने कहा तुम ही हाफ फेस हंटर हो, तुम्हें मुझसे मुकाबला करना ही होगा। तुम्हारी खामोशी ने जवाब दे दिया है। मुकाबला 3 दिन बाद होगा, पूरी तैयारी करके आना। अब क्या करूं? लगता है ये बहुत ही शक्तिशाली है, मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। मुत्तु स्वामी, यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो, इसके बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस? तोड़ोगे तो नहीं? चिंता मत करो, वीर जो प्रॉमिस करता है उसे निभाता है। तो ठीक है।
ये नेकलेस फिर से क्यों चमक रहा है? आई और रामा, ये तो बहुत ही भयानक है। क्या तुम लोग एक दूसरे के पार्टनर्स बन गए हो? हाँ, क्या बात है मुत्तुस्वामी, पता नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। अब तो देख के यकीन हो गया ना मुत्तुस्वामी, थैंक यू। लेकिन इसके बाद तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होगा जी। आइए, ये कौन है? आइए रामा, ये कौन से आंटी रे? तुम लोग तो बहुत नाजुक हो। मॉम के बारे में कोई भी जानकारी मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक ही तरीका है, हमें ओल्ड विच को हराना होगा। मुत्तुस्वामी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल, हम तो तुम्हारी मदद के लिए तैयार ही हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है जी, ओल्ड विच को हराने के बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होगा और हमको हमारी दुनिया में भेजना होगा जी। हाँ मुझे मंजूर है, उतने वक्त के लिए हम लोग पार्टनर्स बन जाते हैं। हम सिर्फ पार्टनर्स हैं, दोस्त नहीं, तो हाथ क्यों मिलाऊं जी? ए, तुम लोग लड़ना बंद करो, वो चुड़ैल बहुत पुरानी हंटर है। सही कहा नायरा, तुम भी तो एक हंटर हो, क्या तुम मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दोगी? तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पे। क्या उससे ट्रेनिंग लेगा? मेरी काबिलियत पर शक है क्या? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ, मुझे हंटर्स की तलाश में जाना है। नायरा, अगर तुम मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दोगी तो बदले में मैं सारे खजाने ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो? वीर जब भी कोई प्रॉमिस करता है उसे हमेशा पूरा करता है। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, आप बताओ आप किस तरह की ट्रेनिंग पैकेज लेना पसंद करोगे? अतिरिक्त समाचार, विशेष समाचार, 3 दिन बाद ओल्ड बीच और हाफ फेस हंटर की अरेना में जोरदार लड़ाई होने वाली है। ये उड़ने वाली बूढ़ी चुड़ैल हाफ फेस हंटर से लड़ती है। हाफ फेस हंटर बूढ़ी एल्फ हंटर के हाथ से फिसल गया और हाफ फेस हंटर की चाल से रंगा की बेइज्जती हुई। हाफ फेस हंटर बहुत चालाक है। रंगा, भागो। तो ठीक है, अब मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी कि किस तरह से कुआ के पंजे से भी आपको तेज होना है। तो आप तैयार हैं? तो आप लोग तैयार हो ना? वाह! यूनिफॉर्म बॉडी एक्टिवेटेड। आयरन मास्टर तो बहुत ही ताकतवर और शानदार है। ऐसे करते तो मैं भी कर सकता हूँ जी, इसमें क्या है? ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान कोई बात नहीं। बॉस, क्या इन्हें ट्रेनिंग देने का कोई फायदा भी है? कुछ मत बोलो तुम, उन्हें ट्रेनिंग की नहीं बस चार्ज करने की जरूरत है। उससे भी नहीं पता है कि वो कितना पावरफुल है। लेकिन बॉस, ऑल विच को हराने के बाद ही हमें ट्यूशन मिल सकती है, जो कि मुमकिन है ही नहीं। पता नहीं मेरा क्या होगा, मैंने इंसान और बोने का कॉम्बिनेशन पहली बार देखा है। ठीक है, फिर उन्हें अल्टीमेट ट्रेनिंग लेने दो, देखते हैं वो क्या कर सकते हैं।
आयो रामा, आयो हिलाओ मत, मुझे चक्कर आता जी। ये किस लिए, ये किस चीज की ट्रेनिंग है? ये ट्रेनिंग है सिंक्रोनाइजेशन रेट की। ओ अच्छा, पर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या कहा तुमने? फेरी फॉर्म बॉडी को इंसान और उनके पार्टनर मिलकर ऑपरेट करते हैं। उन दोनों के कनेक्शन के रेशियो को सिंक्रोनाइजेशन रेट कहते हैं, समझे? पिछली बार जब तुमने रांगा को हराया था तो तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन रेट 70% पहुँच गया था। अगर तुम उस ओल्ड विच को हराना चाहते हो तो कम से कम सिंक्रोनाइजेशन रेट 100% होना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है, क्या तुम मेरी बात को अच्छे से समझ गए? ट्रेनिंग चाहे जो भी हो, मुझे बस ओल्ड विच को हराना है। तुम कर सकते हो। तो ठीक है, तुम मेरे इस बॉल से बच कर दिखाओ और याद रहे जमीन पर मत गिरना। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम ओल्ड विच को हराना चाहते हो तो मेरी बात मानो। इससे बचने के लिए नीचे झुको। आयो आयो, रुक, मुझे क्यों छाला रे? आयो, तुमने ये ठीक नहीं किया वीर। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले बार से बच पाओगे। इतने मामूली से हमले से बचने के लिए मुझे कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। आया, आया, हाय, 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 ये देवा, ऐसा ही से। हमारी वाकई में अच्छी है। इसका पोस्टर भी बहुत गंदा है। ऐसा लगता है कि हम दोनों ने सिंक्रोनाइजेशन सीख लिया है। क्या तुम्हें यकीन है? राइट, चलो लेफ्ट, नहीं राइट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अभी ये और सीखने की जरूरत है। ये वीर, तुम मुझसे मैच क्यों नहीं कर पाते? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, मेरा बैलेंस तुमसे ज्यादा अच्छा है। तुम्हें करना चाहिए। नहीं, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि सिंक्रोनाइजेशन रेट 100% हो जाए तो सिर्फ साथ रहना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम दोनों को 2-1 होना होगा। एक होना होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे पता है कि तुम ये सब अच्छी तरह जानते हो, लेकिन तुम जीत नहीं सकते हो। रंगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बदला ले रहा हूँ। ऐसा लगता है रंगा तुम पिछली बार की हार भूल गए हो। On Fairies Warriors Combined! Soul Prime! बॉस, तुम पीछे ही रहना। पता नहीं ये रंगा कौन सा गेम खेलने वाला है। ये तो बर्फ का पाउडर है, दूर हो जाओ। इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन रेट बहुत अच्छा नहीं है और इस बर्फ की वजह से प्रॉब्लम बढ़ गई। पिछली बार तुमने मुझे हरा दिया था, वो एक इत्तेफाक था। क्या बोला, इत्तेफाक? वीर, चलो एक बार फिर से इसको हराते हैं। मैं क्या करूं? मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम सिंक्रोनाइज करके अभी भी ओल्ड विच को चुनौती दे सकते हो? ऐसा सोचना भी मत। रुक जाओ। अगर तुम वीर तक पहुंचना चाहते हो तो उसके पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अगर तुमने वीर को चोट पहुंचाई तो मुझे मेरा इनाम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ लड़ना चाहती हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहले मैं तुझसे लड़ूंगा और अपने अपमान का बदला लूंगा। कुगा! बॉस, मैं तैयार हूँ। क्या बात है, नायरा और उसके एल्फ के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कितना मजबूत है।
मजबूत। अय्या, ये कुगा को क्या हो रहा है जी? ये तो बर्फ का पाउडर है। कैसा लग रहा है बर्फ का पुतला बनकर? इसने मुझ पर अटैक किया, अब क्या करूं? मुझे पता था कि तुम बीच में जरूर आओगी, इसलिए मैंने तुम्हें एक खास तोहफा दिया है। बॉस, आयरन मास्टर जम गया है। नायरा, कुगा, तुम लोग ठीक हो? हमें उन्हें बचाना होगा। है? वो लोग मुसीबत में हैं। सही कहा वीर। अब सोल प्राइम की सिंक्रोनाइजेशन रेट सफल नहीं हो सकते। तो हमें सिंक्रोनाइज करना होगा। क्या? बर्फ की वजह से मेरा डिफेंस पावर कमजोर होता जा रहा है। तुम्हें लगा कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम इस बच्चे को और इनाम को दूर ले गए जो मेरा था। अब तुम्हें पता चलेगा कि रंगा को चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। अब मेरे और मेरे इनाम के बीच में आने का नतीजा भुगतो। ये कैसे हुआ? तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है। वीर। नायरा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई नायरा का साथ देने के लिए? नायरा और कुगा की जोड़ी को देखकर हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें साथ में मिलकर लड़ना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। अरे पहले हम दो थे, अब एक हो गए हैं। हमारी शक्ति बढ़ गई है, हमसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। और हमारा सिंक्रोनाइजेशन रेट 100% है। क्या 100%? अब देखो, क्या तुम मेरे इस बर्फ के हमले को झेल सकते हो? सोल प्राइम चलो! ये ताकत है स्पेशल ट्रेनिंग की। तो अब देखो मेरी बर्फ की ताकत। जब तक तुम बर्फ के पुतले बने रहोगे, बिल्कुल भी तुम हिल नहीं पाओगे। असली आग सब कुछ जला के राख कर सकती है, तो फिर वो ये थोड़ी सी बर्फ क्यों नहीं पिघला सकती? ये क्या? ये है हमारे सिंक्रोनाइजेशन की शक्ति। अरे नहीं, देखते हैं तुम कहां भागते हो। होली फ्लेम सोर्ड, चलो चलें। नायरा, तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल, तुम दोनों ने आखिर 100% सिंक्रोनाइजेशन कर ही लिया, इसके लिए तुम्हें बहुत मुबारक हो। देखा तुमने मुत्तुस्वामी, स्पेशल ट्रेनिंग का कमाल। कैसे स्पेशल ट्रेनिंग, जिसमें सबसे ज्यादा मेरा हाथ है। तुम लोग मेरी बात को नहीं समझ पाओगे। मुझे यकीन है ट्रेन शुरू करने के लिए जितना समय और शक्ति लगेगी, उतनी ही शक्ति और ताकत इस नेकलेस में है।